बड़ी खबर ब्रेक न्यूज सामने करके आज की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड आपके पास है तो मिल रही है बड़े फायदे, जानिए डिटेल। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो बताएंगे कि अगर आपके भी पास दोस्तों ई श्रम कार्ड है तो आपको कौन से बड़े फायदे मिलेंगे। दोस्तों पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बता आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल के मिले कहे हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार इन दिनों ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खजाने का पिटारा खोल हुए है। जी हाँ दोस्तों, इसका करोड़ों लोगों को बड़े स्तर पर फायदा मिल रहा है। अगर आप ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े हैं तो फिर यह खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से पंजीकृत लोगों को 500 रुपये के अलावा कई बड़े लाभ मिल रहे हैं। आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2,00,000 रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी हादसे में कामगार की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपये मिलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति के विकलांगता होने पर 1,00,000 रुपये की राशि मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि मकान बनाने में मिल रहा फ़ायदा, जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका भी खुद का अपना घर हो। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको इस योजना के तहत मकान निर्माण में सहायता के तौर पर धनराशि भी प्रदान की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ सीधा ई श्रम कार्ड धारक को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि श्रम विभाग की सभी योजनाओं जैसे मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, बच्चों को छात्रवृत्ति, आपके काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि का लाभ मिलता है। दूसरी ओर भविष्य में राशन कार्ड को इससे जुड़ा होगा, इससे देश में किसी की राशन की दुकान से आपको राशन मिल सकेगा। इसके अलावा लोगों को हर महीने उनके खाते में 500 से 1,000 रुपये तक सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और रोजाना ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ई श्रम कार्ड की दूसरी किस्त आपके बैंक खाते में आई है या फिर नहीं। दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।